तो सुबह के 9 बज रहे और हम लोग है डल लेक पे, यहाँ से अभी निकलना कारगिल के लिए। तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टूरिंग लाइफ। तो कैसे आप सब लोग, भारी अपुन भी लय भारी। और ये नज़ारा देख लो एक बार, नज़ारे तो भाई नज़ारे हैं, वही नज़ारे ही नज़ारे है। ये हमारा हाउस बोट, अभी जहाँ पे रुके वो तो दिखाएंगे पहला। ये देखो ये बाहर बैठने के लिए, ये हम अंदर आ गए। ये हो गया हमारा हॉल, ये अभी ब्रेकफास्ट आ गया हमारा, ब्रेड ऑमलेट। ये देखो ये हॉल है बाहर का, चुम्बर देखो क्या बात है बॉस बॉस। ये पहला रूम, इसको हम बेडरूम ही बोल सकते हैं। ये है मेरा, यहाँ पे कल रात में मैं सोया था। बाथटब, बेसिन, मस्त बाथरूम भी है। अभी चलते हैं सेकेंड रूम, मतलब हमारे सेकेंड बेडरूम में। ये रहा मनोज भाई और गोपाल का कमरा, काफी ह्यूज है, बहुत बढ़िया है, मतलब और रात है। और रात में नींद भी मस्त आ गया एकदम, क्योंकि ठंडी थी ना। हाँ ठंड भी था। ये देखो यहाँ पे भी बाथटब, इंग्लिश टॉयलेट, नॉर्मल टॉयलेट सब है, मौजूद है। सिंपल भाषा में हिंदी और इंग्लिश दोनों है। क्या चाहिए और, ऐसा एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है राइड के टाइम पे। पहला थोड़ा सा है ना हम लोग का, मतलब सोचा हम लोग ने, अरे यार बजट में थोड़ा हो रहा है ऊपर नीचे, क्योंकि 1800 रुपये का एक है, तो हमारे तीनों को गिर गया 600 रुपये। थोड़ा सोचा हमने, फिर बाद में ठीक है बोला चलो ले लेंगे। कौन सी जगह भी रुके, बार बार ये सब एक्सपीरियंस लेने नहीं जमता। हाँ। तो आज है मौका मिल रहा है तो ले लेंगे। तो चलो अभी ब्रेकफास्ट कर दे, और अभी ब्रेकफास्ट पे टूट पड़ना है, टूट पड़ना है, चलो चल 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 जल्दी टूटना है। ये गोपाल रुक रुक रुक, टूटना है, रुक रुक। सब काम चला है सारे। चाय आओ जी, चाय पी लो श्रीनगर से। तो जब से घर से निकले तब से लेके नॉनवेज में कुछ भी नहीं खाया ना, ये पहली बार ही अंडा खा रहे। और रात में जो खाना खाया ना, रोटी सब्जी दाल और राइस, घर का याद आ गया, सेम घर जैसा लग रहा था। सुबह सुबह चाय, हम लोग ने ये राइड पे चाय ज़्यादा पिया ही नहीं ना, चाय से ज़्यादा पिया, गर्मी इतनी मिली तो चाय क्या पियेंगे ना। ऐसे पकड़ना नहीं, मतलब ऐसे ऐसे पकड़ के फोटो शूट चल रहा है, बस ऐसे ऐसे देखते रहो। ये देखो ये ऐसे ऐसे, ये ऐसा यहाँ पे बोटिंग होता है, बोटिंग का जो भी चार्ज है वो 500-600 ऐसा है। यहाँ पे पूरा मार्केट लग जाता है, उधर देखना हल्का सा, उधर देखना क्या व्यू दिख रहा है सामने का। अभी यहाँ से निकल रहे, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। अभी सबसे पहले जो जरूरी काम है ना वो है एटीएम, अगर दिख जाए ना तो तीनों को भी पैसा निकालना है, किसी के भी पास भी कुछ भी कैश नहीं है, बस 200-300 रुपये ऐसे ही पड़े। एटीएम JNK बैंक जम्मू एंड कश्मीर। सोनमार्ग यहाँ से 60 किलोमीटर पे, और अभी लोकल से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी आपको 4 लेन रहेगा कुछ किलोमीटर तक, तो वहाँ पे हम स्पीड पकड़ सकते हैं, पर जैसे ही सोनमार्ग क्रॉस करेंगे वैसा लगेगा पहाड़ी इलाका। चेकिंग चल रहा है शायद से आर्मी का। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर। यहाँ पर भी चेकिंग चल रहा है, थैंक यू। ओ भाई साहब क्या बात है, ओ क्या बात है, क्या बात है, बर्फ दिखना चालू हो गया। अभी यहाँ से आपको नहीं दिखेगा, उतना कैमरा जस्टिस नहीं कर पाएगा, पर बर्फ दिख रहा है मुझे। तो कारगिल यहाँ से 174 किलोमीटर है, और द्रास यहाँ से 117 ले 400 किलोमीटर, बस कुछ ही दूरी बची है ना। तो रोड है बॉस, जन्नत जन्नत दिखाई दे रहा है यहाँ से। क्या बात है, क्या बात है मैन, क्या बात है, स्कूटर राइडर दिख गया यार अपने।
कहाँ से हो? यूपी? क्या बात है, अकेले है साथ में? अरे क्या बात है यार, वही स्कूटर देखा तो रुक गया, हम भी स्कूटर राइडर, आप भी स्कूटर राइडर, और क्या। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। कब निकले थे यूपी से? कब निकले थे यूपी से? परसों। बहुत बढ़िया, ठीक है, अभी का मिलेंगे। मुंबई से हम लोग, महाराष्ट्र। हाँ हाँ, मुंबई से। अरे नहीं यार, मौज कर दी। चलो चलो चलो, अभी क्या मिलते ही रहेंगे बीच बीच में। चलो चलो आ जाओ, पीछे और भी है अपने राइडर। सुना आपने यूपी कहा कि यूके कहा? उत्तराखंड ना, उत्तराखंड। ओके, मैंने यूपी सुन लिया, यूके से मैंने यूपी सुन लिया। सर जी कारगिल के लद्दाख जाना है, जाना। थैंक यू सर। भाई दो मिनट, फोन लगा सकते हैं? एक फोन लगा सकते हैं? मेरा कोई राइडर है ना पीछे रह गए। हेलो गोपाल, हेलो। हाँ सुन, तू तो फंसा है ना लाइन में। कौन से लाइन में? अरे तू अभी तक आया नहीं, अपना ये देख ना, चेकिंग चल रहा है, वहाँ से रिटर्न भेज रहे सबको। हाँ क्या, कहाँ पे कितना दूर था ये? कौन सा लोकेशन है ये? गोंड रोशन। गोंड 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 नहीं क्या? गोंड। हाँ हाँ, अभी तक आया नहीं गोंड तो। अरे हम लोग, मैं और एक स्कूटर राइडर था ना, तो हमको पूछा कहाँ पे, तो मैंने बोला टूरिस्ट है, तो बोला नहीं नहीं आज हम तुमको जानने मिला, रिटर्न जाओ। तभी मैं ना आया, मैंने एक पुलिस वाले क्या बोला साहब को कि कारगिल होके ले जाना है, तो उसने मुझे छोड़ दिया। अगर रोका तो क्या बोलना, कारगिल होके ले जाना है। पहला जब भी आया तो मुझे बोला यहाँ से रिटर्न जाओ, टूरिस्ट के लिए आज नहीं छोड़ने वाले, रिटर्न जाओ। मैं डर गया, बोला यार ऐसा मत कुछ करो। हाँ फुल कर देना, ऑलरेडी है पेट्रोल, बाहर आ जाएगा नहीं तो आराम से। कितना हो गया? 240 कर देना बस। तो कारगिल में पेट्रोल पंप मिलेगा, वैसा तो कारगिल तक अपना स्कूटर आराम से जाएगा, टंकी तो फुल कर दिया, पर फिर भी अगर एवरेज कम मिला, अपनी गड्डी पार्टनर अपना बंद पड़ गया तो सेफ साइड ले ले। जय हिंद सर, नमस्कार। ओ भाई क्या बात है बॉस। तो सोनमार्ग के 10 किलोमीटर पहले हम लोग रुक गए। क्यों रुके आपको देखना एक बार, ये देख लो, गजब गजब का नजारा, क्या फोर्स है यार पानी को। और अपने चैनल के 10K भी होने आए तो वही चेक करने के लिए भी रुके, बोला चेक कर लेंगे, इसका नेट चल रहा है गोपाल, थोड़ा यूट्यूब पे चेक करना 10K हुए जा। चेक कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। 10K सब्सक्राइबर होने के लिए बस 60 सब्सक्राइबर कम है, तो शायद से ये एक घंटे में हो जाएंगे। खुशी खुशी ये देखो, लद्दाख राइड पे यार 10K हो रहे हैं, 10K हो जाने तो बस यार। ये आ गए, यही रिटर्न घूमे थे ना वहाँ से, आ गए रिटर्न। चलो और इनके साथ वाले ये मोहन पवन, तो ये पवन भाई इनका रॉयल इनफील्ड है, ये अहमदाबाद से है, हम भी अहमदाबाद होके आए हैं। तो अभी बहुत सारे राइडर दिखना चालू हो चुके हैं, क्या बात है। अभी सोनमार्ग आएगा पहले 10 किलोमीटर बाद, उसके 20 किलोमीटर बाद में जोजिला पास आएगा, तो जोजिला पास पहला क्रॉस करेंगे फिर ही रुकेंगे। आर्मी का ट्रक जा रहे, ओ भाई ये देखो पूरा बर्फ जमा हुआ है पहाड़ पे, सुबह से लेके अभी तक खराब रोड नहीं आया था, अभी ये ऑफ रोड आ गया।
वेलकम टू सोनमार्ग, क्या बात है। जय हिंद सर। कहाँ से आ रहे हो आप? मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई से एक्टिवा पे? हाँ सर जी। इधर गाड़ी में ऐसी कैसी हो रही है, ले जा रहे हो? हाँ ले लेता। थैंक यू भाई। थैंक यू। आप कहाँ से हो? ओके अमृतसर। ओके ओके ओके। हाँ टेस्ट रिपोर्ट मांग रहे ना? है हमारे पास तो है। आरटीपीसीआर? हाँ वो है ना। कहाँ पे मांग रहे हैं, कहाँ पे ले रहे हैं? ओके 70 किलोमीटर ना, ठीक है अपने पास है, कोई नहीं। थैंक यू भाई, क्या बात है। थैंक यू। ये रोड पे किसी का तो गिरा था, किसी राइडर का ही है। आगे पूछेंगे जो भी राइडर दिखेंगे, जिसका भी उसको दे देंगे बॉस। सुनो ना, ये ना ये नीचे रोड पे मिला है, आप में से किसी का एक पूछ लो ना एक बार। ये अपने अपने को पता है का ये? हाँ हाँ। अरे आपका है? हाँ हाँ हाँ, एक्टिव घेऊन आलो, मुंबईहून आलो, 8 जूनला निघालो आम्ही। हाँ हो चाल ना, चालले चला बैठो। अभी जैसे जैसा ऊपर चढ़ाई आ रहा है ना, वैसा मैं समझ चुका हूँ कि जोजिला पास नज़दीक आ चुका है। आर्मी का ट्रक सब निकल चुका है लेह की तरफ। तो बैटरी ख़त्म होने आया है बस 7% पे, तो चेंज कर लेता हूँ ना। सुबह से अब तक 2 बैटरी चेंज किया है, अभी ये 3 हो गया मेरा बैटरी, तीसरा बैटरी अभी और एक बचा है। अभी 2-3 दिन गर्मी था तो कैमरा हैंग होता था हीट के वजह से, और अभी ठंड है तो बैटरी उतर रहा है। और ये आ गया एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग जो कि हमने क्रॉस कर लिया। पार्टनर जैसा साथ मुझे अभी तक दिया है ना, अभी पूरे लेह लद्दाख में घूमने तक अच्छे से साथ देना, क्योंकि तू अगर सही से चलेगा तो ही मैं ये राइड बराबर से कंप्लीट कर पाऊंगा। नीचे तो देखो कितना हाइट पे हम। थैंक यू। महाराष्ट्र से? हाँ हाँ इसी से? हाँ थैंक यू। बहुत बढ़िया, इंस्पिरेशन आपको हमारे। थैंक यू। ये तो दे दो, बार बार आते हैं सर यहीं पर, दर्शन करके फिर ही निकलते हैं। जोजिला टाइगर शिव मंदिर। अभी मैं तो पूरा शूज़ वगैरह नहीं उतार सकता हूँ, तो यही से पैर पड़ लेंगे और क्या। लो जी, कहाँ से हैं आप, किधर से? मुंबई, महाराष्ट्र। हाँ वेरी गुड। एक्टिवा देख, हाँ मैंने कहा यार भला कर लीजिए वाला बंदा है। एक्टिवा लेके चला आया भाई। सही चल रही है कोई? सब 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 सही, अब तक सब सही है, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं नहीं कुछ नहीं, सब सब मस्त है, सब मस्त। ले लद्दाख, अभी कारगिल में रुकना है, कल ले के लिए निकलेंगे। शिव जी का प्रसाद खा लेते हैं, अभी हेलमेट निकालना पड़ेगा जी।
चाय। अरे क्या बात है। ओके 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 सर, थैंक यू सर। तो आर्मी की तरफ से हमको चाय मिल चुका है। तो ऐसे यार ठंडे जगह पे चाय के मज़े नहीं उठाएंगे हम। इसी का तो हम इंतज़ार कर रहे थे। ये देखो पूरा बर्फ है, खतरनाक बॉस। ये स्नो पूरा पिघल रहा है ना, ये उसका ही पानी ऐसा नीचे आ रहा है। ये देखो लाइट लाइट होते रहता है यहाँ पे। बस यार थोड़ा सा बर्फ को छू के निकलेंगे। क्या बात है यार, एक नंबर। आर्मी का ट्रक आ रहा है, इसके लिए भागता हूँ। ओहो क्या बात, ऑटो क्रॉसिंग करते हुए खतरनाक वाला एडवेंचर है बॉस। यहाँ पे जोजीरा पास खतरनाक, आज तक बस वीडियो में देखा था। यहाँ पे अकेला सुकून मिला है कि यार मैं भी इस जगह पे आया हूँ यार, पहुंच गया फाइनली। ओहो हो, ये तो खतरनाक है। ओ भाई ओ, आर्मी के ट्रक नहीं होते ना तो मैं रुक जाता बर्फ के साथ थोड़ा खेलते खेलते। ओहो बाप रे, ये भाई मान गए गुरु। ओ मान गए, सही है पार्टनर, आई लव यू मेरी जान। मान गए गुरुजी। ये देखो गुरुजी मिल गए, हम स्कूटर वाले साइकिल वाले। ये देखो मुझे यहाँ तक आने में पार्टनर ने हेल्प किया है ना। यो हो क्या बात है। तो पार्टनर भी फेंकेंगे, इसी के मदद से हम आ चुके हैं यार। पार्टनर नहीं होता तो क्या होता। ओ बस आराम से ऊपर चढ़ जाओ, पानी ज्यादा है। सर्दियों के टाइम पे तो पूरा बर्फ बर्फ। अगर सितंबर अक्टूबर में राइड करेंगे ना तो वो टाइम पे पूरा बर्फ ही बर्फ होगा यहाँ पे। टॉप मास बढ़ गया। जोरे से भूख लगी है तो अभी मनोज भाई का इंतजार कर रहा हूँ, वो भी शायद से आ गए। हाँ सामने से दिख रहे, आ रहे फिर वो आ जाएंगे। यहाँ पे मैगी मिल रहा है, चाय मिल रहा है, चाय मैगी पियेंगे फिर निकलेंगे कारगिल के लिए। यहाँ पे चाय और मैगी मिल रहा है, खा लेते हैं। तुम लोग के लिए रुका हो, चलो वो सामने चाय भी मिल रहा है मैगी भी मिल रहा है। चलो अभी हम आ चुके हैं 0 पॉइंट पे। ये अपना पार्टनर और ये नज़ारे देख लो जी। तो मैगी हमारा आ चुका है और चाय भी आ चुका है, बाकी ठंड से पूरे हाथ जम गए। ये हमारा मैगी और ये चाय। चाय ठीक है, चोजीला पास 0 पॉइंट। हाई एल्टीट्यूड देखो कितना है, 11,649 फीट।
हो गया जी, मैगी खा के हो गया, चाय पी के हो गया, इंस्टाग्राम के लिए फोटो भी खींचने थे वो भी हो गए। तो अभी यहाँ से निकलते, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर तक थोड़ा गंदा पैच रहेगा, उसके बाद में प्लेन रोड मिलने वाला है। बाय बाय कहते जीरो पॉइंट को और निकलते दूसरी मंजिल की ओर, कारगिल। खिलौना कैसा बचता है वैसा देखो आवाज आ रहा है। Welcome you to Ladakh. You are at Chozila altitude 11,000 feet. Maharashtra. आरटीपीसीआर है? हाँ है ना सर जी, नेगेटिव रिपोर्ट है हमारा। हाँ कहाँ पे दिखा ना सामने वहाँ पे, ठीक है चलेगा, थैंक यू सर। तो अगर हमारे पास में रिपोर्ट है तो आगे दिखाना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है चलेगा चलेगा। ओके ओके, दो मिनट सर जी, दो मिनट। हाँ हाँ वो हार्ड कॉपी अगर है सॉफ्ट कॉपी दोनों मोबाइल में, मोबाइल में भी हार्ड कॉपी भी होगा आपके पास? नहीं सर जी हार्ड कॉपी नहीं, पीडीएफ में सर जी रिपोर्ट है सर, ये मतलब हार्ड कॉपी तो लोग पीडीएफ ही दिया। इसका आपके पास मैसेज आया है क्या? हाँ मैसेज है सर, मोबाइल में है सर। एक बार मैं ये कोड स्कैन कर लेता हूँ। चलेगा ना सर जी, चलेगा, हम लोग रुक जाएंगे, आगे मत आ जाए, ठीक है यहाँ चले। तीनों का चेक हो गया, तीनों का भी चेक किया ना? ओके सर जी, थैंक यू सर। यहाँ से ना लाइन में बैठ के आपका रिपीट करेंगे सर, रिपीट फिर से सर। यहाँ आप जैसे लद्दाख आ रहे हैं, जैसे अलग से यूनियन टेरिटरीज में, तो यहाँ का रूल है कि जो भी बाहर से आ रहा है उसका अगर आरटीपीसीआर वैलिड में भी है तो उसको एक बार रिपीट करके कंफर्म करके भेजना आगे, ठीक है? ठीक, अब ये देखो सर हाथ में चेक लिखता हूँ, आगे दिखा दूंगा वो आपको रिपीट करेंगे सर। यहाँ की गवर्नर चलेगा सर जी, अभी का जो है रूल्स उसको फॉलो करना पड़ेगा ना। यहाँ पे आपका रैपिड टेस्ट कराया जाएगा, आपका नाम नंबर एज ये सब पूछा जाएगा और फिर आपका यहीं पे टेस्ट करेंगे और एक 5-10 मिनट में फटक से उसका रिपोर्ट आ जाएगा। हो गया जी टेस्ट करके, ये तीसरी बार टेस्ट कराया, पर एक है यहाँ पे आपका नाक का टेस्ट नहीं होगा, जो भी है मुंह का अपना टेस्ट करेंगे। तो गाइस जैसे आपको मैंने दिखाया पीछे रैपिड टेस्ट करने के बाद में, यहाँ पे थोड़ा ही आगे आने के बाद में यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आपका गाड़ी का नंबर वगैरह जो भी पूछेंगे, फिर यहाँ से आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपका गाड़ी नंबर, नाम, एज और मोबाइल नंबर लेंगे, फिर आपके हाथ पे वो सिग्नेचर वगैरह करेंगे, फिर यहाँ से आपको निकलना है। बाकी जब भी आप यहाँ पे आओगे तो आपको सब बराबर से बताया जाएगा क्या करना है, पर बस नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो आप लेकर आना प्राइवेट लैब का, बाकी यहाँ पे भी करेंगे ये टेस्ट। तो अभी गोप्रो का बैटरी मेरा डाउन हो चुका है, एक बैटरी मैंने चार्ज पे रखा है, पावर बैंक पे लगा है। कैसा नजारा है भाइयों, बहुत बढ़िया। जय हिंद सर, बंद हो गया, अंदर नहीं छोड़ रहा अभी? अंदर नहीं छोड़ रहा, टाइम हो गया। कितना बजे तक टाइम रहता है? कितना बजे तक टाइम रहता है सर? अभी 6 मिनट का टाइम है, ऑलरेडी कोविड की वजह से बंद है पूरा। ओके ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है चलेगा, थैंक यू। हाँ सर जी, हाँ सर, सर इधर से फोटो निकलवा। कहाँ से? अंदर से फोटो निकलवा। ठीक है थोड़ा अंदर आ सकते हैं, थोड़ा। थैंक यू सर जी, थैंक यू, जय हिंद। हम लोग वहीं पे रुके थे तो सर ने हमको आने दिया, फोटो निकालो। इधर से 93 निकला, हमारा बेस ही हमारा पाकिस्तान पोस्ट है, ऊपर से पकड़ा पाकिस्तान वाला, हम उसको कैप्चर करने के लिए, पूरा कैप्चर करने के लिए इधर से लड़ाई चला। ये हमारा टोलोलिंग बोलते हैं। ओके
हमारा इधर से दिखाई देगा, अंदर से दिखाई देगा, उधर से वो हमारा टाइगर हिल है। कैसे करने के लिए हमारा इधर लड़ाई कर दिया इसको पूरा, अभी उधर से टारगेट करने से ये पूरा बंद हो जाएगा रोड। ये बंद होने से लाइफ में हमारा इंडियन इंडिया का फौज का और पूरा रवाना सब कुछ बंद हो जाएगा, इसलिए पाकिस्तान वाले ये कैप्चर कर दिया। वीर जवान है हमारे, शहीद जवान है, उनको कोटि कोटि प्रणाम कि हमारे लिए उन्होंने अपनी खुद की जान दी है। सच में अगर कोई हीरो है ना सच में तो इन लोग ही है। हाँ चलो देख, हाँ नहीं मुंबई वरुण आलो, आम्ही मुंबई वरुण आलो, पण मुंबई वरुण ड्राइव करत। हाँ हाँ ती गाडी कोणती आहे? होंडा ऍक्टिवा। हाँ हाँ माझीच गाडी आहे होंडा ऍक्टिवा। पण मुंबई वरुण हो 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 किती होंडा ऍक्टिवा घेऊन मुंबई हो 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 थैंक यू। कारगिल यहाँ से 45 किलोमीटर है और शायद से मुझे ऐसा लग रहा है कि अंधेरा होने के पहले हम कारगिल में पहुंच सकते हैं, क्योंकि रोड भी बहुत ही अच्छे है यार, एक भी गड्ढा नहीं कुछ नहीं। हम लोग कारगिल में आए और उसके बाद में यहाँ पे एंट्री हो गया हमारा, गाड़ी का नंबर और कितने आदमी है एक गाड़ी पे वो। तो भाई अभी कारगिल में हम लोग आ चुके हैं, हमको होटल में रूम लेते लेते 8:30 बज गए। और अभी एक गुड न्यूज़ मुझे पता चली, जब भी मैंने आने के बाद पहला गोपाल को, गोपाल मुझे तेरा हॉटस्पॉट देना, एक बार चेक करने दे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कितने हुए। सब्सक्राइबर देखा तो 10,300 सब्सक्राइबर हो चुके और इतनी खुशी हो रही है ना कि लद्दाख राइड पे हूँ और अभी कारगिल में हूँ और 10K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। मेरे पास शब्द ही नहीं कुछ कहने के लिए कि आप लोग ने ये 3-4 दिन में ना बहुत सारा प्यार दे, वो भी लद्दाख के बस Day 1 और Day 2 बस दो ही वीडियो अपलोड हुए, वो दो वीडियो पे आप लोग ने इतना अगर प्यार दिया है तो आने वाले वीडियो पे आप लोग बहुत सारा प्यार दोगे तो मुझे समझ में आ चुका है। तो गाइज आज का ये वीडियो बहुत ही लंबा था क्योंकि बहुत बड़ा सफ़र हो गया, कम किलोमीटर था पर उसमें बहुत ज़्यादा एडवेंचर था तो मज़ा आ गया। और आगे का जो भी एडवेंचर है, कल तो हम ले में रहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद 10K सब्सक्राइबर करने के लिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं ऐसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।